रेडी? शुरू करें? एक मिनट विनीत जी, जब क्लियरेंस दें तब करेंगे जी। नमस्कार साथियों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और हेल्थ फॉर ऑल आज का उद्देश्य है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तो हमारे परसादी लाल मीणा जी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, इन्हीं के इलाके में राहुल जी ने गहलोत साहब से पूछा, चिरंजीवी योजना के विषय में एक बात हो रही थी कि इसका अगला कदम क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राइट टू हेल्थ इसका अगला चरण होगा। पूरे विश्व में 2-2.5 साल सबके कैसे गुजरे ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर परिवार ने कुछ ना कुछ खोया, किसी का व्यापार, किसी के परिवार के सदस्यों की क्षति हुई। हर सरकार ने, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने, हर समाज ने कोई ना कोई सीख ली उस अवधि से। राजस्थान सरकार ने, बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं, जो सीख ली वो ये थी कि खर्च कहाँ करना है, बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देनी चाहिए लोगों को। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। हर सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। कुछ सरकारों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन 2.5 सालों में। वो 2.5 साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ादायक थे। राजस्थान की जनता एक उत्सव का माहौल है जब से ये चिरंजीवी योजना वहां आई है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी बताएंगे आपको। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी से अलग अलग लोग मिल रहे थे राजस्थान में, खास तौर पे सबने चिरंजीवी योजना के विषय में एक अच्छा फीडबैक भी दिया था। उससे मालूम पड़ता है कि जो सरकार कदम उठा रही थी वो कदम जो है लोगों को बहुत पसंद भी आए, लोगों को की जिंदगी को एक तरह से छुआ उन कदमों ने। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी परसादी लाल मीणा जी से आग्रह करूंगा कि इस योजना के विषय में आपसे कुछ बात करें और कैसे चुपचाप से एक राजस्थान मॉडल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है। यहां तक कि केस स्टडीज लिखी जा रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में यूनिवर्सिटीज में केस स्टडीज लिखी जा रही हैं कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है ये कैसे कॉन्सेप्चुलाइज हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक शोध का विषय बन चुका है पूरे विश्व में। इसलिए हम गर्व के साथ आज राजस्थान मॉडल आपके सामने पेश करते हैं। परसादी लाल मीणा जी, नमस्कार। अभी माननीय खेड़ा साहब ने जो बताया राजस्थान मॉडल के बारे में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा, जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयां शुरू की, और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निशुल्क जांच, निशुल्क दवाइयां उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयां निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयां, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, पैसा जब मैं जादू करूँ तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयाँ और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े।
और उन्होंने शुरुआत की चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए, उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। अब कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, पर राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का आए, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहाँ सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीक्यूशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार चार साल में सरकार ने किए, उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ, कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी पीएससी हमारे पास, सब सेंटर डीएच एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में, तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के, जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई वो, चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है, वो भी हम फ्री कर रहे हैं, चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%, आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है, तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है, उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा, और उसको अधिकार मिल गया, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज जिससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में, आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बनाया स्टेट, वो राजस्थान है। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हो आप, देश के प्रधानमंत्री जी, आप इसको पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूरे देश के लोगों के लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी, जिससे कोई, चाहे वो अगर प्रदेश में उसका इलाज नहीं है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी इलाज कराएगा, उसकी परमिशन भी हम उसको देंगे, वहां भी उसका पेमेंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे, हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। गरीब आदमी का जीवन इलाज के अभाव में, वो जीवन उसका बचना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार कितना ही पैसा खर्च करे, ये हमारा संकल्प इस बिल में है, और बिल से अधिकार मिल गया, अधिकार पूर्वक किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करा सकता है, पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, इस तरह का जो हम ये लाए हैं, तो ये राहुल जी की पहल पर राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा से पारित करा के गवर्नर साहब को भेज दिया, जो ही बिल वहां से साइन होकर आएगा
हम इसके रूल्स बनाकर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा राजस्थान में मिला ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये पूरे देश में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को ये जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पित है। आज राजस्थान का कोई भी ये गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करता है, अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी। आज उसके सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी पर भरोसा हुआ है, जिन्होंने वहां सिकंदरा की मीटिंग में एग्जीक्यूशन देखने के बाद कहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने राहुल जी के अनुसार नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर दिया, प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश के लोगों का इलाज हो। ये राजस्थान जैसा मॉडल मेरे ख्याल से अभी देश में कहीं भी नहीं है, इसलिए आज हम इसको और हमारा 7% जो बजट खर्च कर रहे हैं, देश में सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राजस्थान हमारा प्रदेश है। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि पूरे देश में लागू हो, मॉडल स्टेट बने, सारा देश मॉडल बने हमारा, तो सारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अच्छा इच्छा है, राहुल गांधी की भी इच्छा है, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की सहायता हो, इसलिए इस बिल को लेकर हम आए। कोई विरोध नहीं, बिल का कोई विरोध नहीं है, बिल का एक भी कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध प्राइवेट और डॉक्टर्स का है, प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया जो चिरंजीवी में हमारे काम कर रहे हैं, 3 साल से चिरंजीवी योजना में 1000 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं राजस्थान में, 1000, एक भी शिकायत 3 साल में नहीं आई, आज क्या हो गया? और उनकी बातें हम मान लेंगे, अगर वो काम नहीं करना चाहे जबरदस्ती नहीं है, सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी, पर लोगों को इलाज के लिए हम कोई प्राइवेट अस्पतालों के भी नहीं, जो डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है हमारे, जिनको हमने फ्री में लैंड दिया है, जिनको कंसेशन में जमीन दिया है, जो हमारे दूसरे अस्पताल है जो सरकार से जुड़े, उनको तो फ्री इलाज करना ही पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल उनको तो करना ही पड़ेगा। 50 बेड से नीचे अस्पताल वालों को तो हमने कह दिया भाई रूल से इनको बाहर कर देंगे, पर सरकारी संसाधन बहुत है हमारे देश में, सबसे सर्वश्रेष्ठ CSE PSC सब सेंटर अगर देश में कहीं से सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा CSE PSC हमने खोले, नेशनल नॉर्म से भी हम बहुत ज्यादा आगे हैं इन चीजों में। तो हम ये कह सकते हैं आज कि हम संसाधन प्राइवेट हॉस्पिटल विरोध कर रहे थे, हमने कह दिया आपकी इच्छा हो तो करिए, हमारे सरकारी संसाधन करेंगे, जिनको हमने फ्री लैंड दिया वो करेंगे, बड़े हॉस्पिटल जिनको हम सरकार से जुड़े वो करेंगे, हमको कहां सरकार के पास संसाधन है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज राजस्थान में, 3 जिले में भारत सरकार ने नहीं दिया, वहां भी हमारे स्टेट फंड से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, इतने संसाधन बढ़ा रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी थोड़ी है। जो हम दूसरे प्राइवेट नहीं करे, उनकी मर्जी, करे तो मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी, हम कब फोर्स करते हैं आप करिए। ये मानवता का सवाल है, केंद्र सरकार को घेरने का सवाल है, किसी पीड़ित की जान को बचाने का काम है सरकार का। सरकार जनता की है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है, कोई केंद्र सरकार घिरे या नहीं करे। पर प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है मानगढ़ धार बांसवाड़ा में कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश में लागू करो इसको। इसमें कहने में क्या है, मानवता के लिए कहने में कहाँ है, करे तो मर्जी, नहीं करे तो मर्जी। पर हमने जो कमिटमेंट किया हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया जब राहुल जी उस समय AICC के अध्यक्ष थे, उनकी चेयरमैनशिप में जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ, हमने उसका 100% पूरी तरह से पालन करने का पूरा हमने वायदा निभाया है। जनता के साथ जो वायदे किए उन सबको हमने पूरा किया है। अभी प्रथम चरण में हमने एक बताया ना, सरकारी हॉस्पिटल 50 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल और हमारे डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है जिनको सरकार को फ्री लैंड दिया है या कम कॉस्ट पे लैंड दिया है, वो अस्पतालों को उनकी शर्त के अनुसार करना पड़ेगा, उनको सबको जोड़ा है। जब हम रूल्स बनाएंगे, आप देखना रूल्स ऐसे बनाएंगे जो सब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मंजूर होंगे, स्वतः ही चल कर आएंगे। जैसे 1000 हॉस्पिटल आज चिरंजीवी योजना में काम कर रहे हैं, हमसे सरकार ने उनसे कोई अनुनय विनय नहीं किया, स्वतः जुड़े हैं।
वैसे हमारे रूल्स बनने के बाद आप देखिए सारे अस्पताल जो प्राइवेट आज विरोध कर रहे हैं, सारे के सारे अस्पताल बहुत जल्दी इस योजना से जुड़े, क्योंकि डॉक्टरों के भी हित में है। WHO की गाइडलाइन है, चिकित्सक का धर्म बताया है। भगवान राम को भी इमरजेंसी आई थी, आपको पता है, लक्ष्मण जी के बाण लगा था, संजीवनी नहीं आती, अगर वो सुसेन वैद्य संजीवनी का पता नहीं बताता लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। दुश्मन का वैद्य होते हुए भी, अपने चिकित्सक धर्म निभाने के बाद भी, निभाते हुए उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को संजीवनी बचा सकती है। इसलिए चिकित्सक का तो धर्म है, किसी भी पीड़ित आदमी का, एक्सीडेंट वाले का, किसी का कोई नुकसान हो जाए उसका इलाज करना चिकित्सक का धर्म है। वो अपने धर्म की पहचान करेंगे, स्वतः जुड़ेंगे, प्रदेश के लोगों के लिए जुड़ेंगे, वो भी प्रदेश में ही है। हम रूल्स बनाएंगे, उनकी जो विरोध है उन चीजों का ध्यान रखेंगे, उन चीजों को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे वो भी, उनको भी, डॉक्टर का भी हित हो, जनता का भी हित हो, और सरकार जो चाहती है वो काम भी निश्चित रूप से हो। जैसा मैंने विक्रांत जी बताया कि इसको हम नहीं, पूरा विश्व राजस्थान मॉडल बोल रहा है, तो जिसको हम राजस्थान मॉडल बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों में इसकी स्टडी की जा रही है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट बनाती हैं, वहां की योजनाएं जाहिर है कि राजस्थान भी देख रहा है, हिमाचल भी देख रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे की जो अच्छी योजनाएं होती हैं उसको हम बिल्कुल ग्रहण करेंगे और अपने बाकी राज्यों में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। उन राज्यों की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनको नजर में रखते हुए उस तरीके से टेलर की जाती है योजनाएं, वो जरूर होंगी। लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि घेरने की बात नहीं है किसी सरकार को या केंद्र सरकार को, लेकिन उनसे आग्रह है कि कोविड में जिस तरह का अनुभव पूरे देश को हुआ, ऑक्सीजन के लिए लोग बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत दबाव था, कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी, ICU बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों के पास पैसे सीमित थे, दवाइयां, इंजेक्शंस, तो उन सब से जो शिक्षा राजस्थान ने लेकर एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है, वो केंद्र सरकार को भी अपनी प्राथमिकताएं मुझे लगता है बदलनी चाहिए। को किसी ने फीडबैक गलत दिया है, CAC PAC आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल देखेंगे, इस कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सौ ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं हो। उप जिला चिकित्सालय खूब खोले हैं, CAC PAC को नई बिल्डिंगें बनाई है, तो निश्चित रूप से MRI मशीनें हम चाहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत जल्दी हम लगाएंगे। वैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सारे जो CAC PAC DHS SDH के इंचार्ज है, हमने उनको 15-15 लाख रुपए एडवांस दिए हैं कि आप जो जरूरी जांच हो आप प्राइवेट से कॉन्टेक्ट करके कराएं, किसी का भी पैसा जांच में नहीं लगे। दवाई में जो दवाई अगर हॉस्पिटल में नहीं मिलती है तो वहाँ के इंचार्ज की ड्यूटी है, उसको खरीद के देंगे। एक भी जांच 40,000 की जांच भी आज कॉन्टेक्ट बेस पे हमने MOU कर रखे, सारी जांच फ्री करा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं मेरी जांच में पैसा लगा हो। सरकारी हॉस्पिटल में एक भी जांच ऐसी नहीं जो फ्री नहीं हो रही हो, ये हमारी ड्यूटी है। हमें अभी जब तक संसाधन नहीं है हम प्राइवेट से कॉन्टेक्ट करके उनके कॉन्टेक्ट लेवल पर कर रहे हैं। बढ़ाने का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, एक्सरे, डिजिटल, ये सारी बहुत जल्दी हम सारे हॉस्पिटल में CSE लेवल तक हम इन चीजों का संसाधन बनाएंगे। जब कानून बनाया है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। कहीं भी पूरे हमने 15-15 लाख रुपए सबको एडवांस दिए हैं, जो ही आपके पैसे समाप्त हो आप रीएम्बर्स कर ले, पैसे फिर वापस देंगे। सरकार की ओर से संसाधनों की या पैसे की कोई अभाव नहीं है, उसके बाद न तो कोई दवाई कम पड़ेगी ना कोई, आज 1800 दवाइयां फ्री है हमारे, हमने 400 से योजना शुरू की थी, आज 1800 तरह की दवाइयां फ्री है, सारी जांच फ्री है, कोई कहने वाला नहीं सरकारी सारी दवाइयां फ्री, सारी जांच फ्री, ये सरकार की ड्यूटी है देखने का, हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज की ड्यूटी है।
सबको पैसा दे रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं, तो हम ये संतुष्ट है इस चीज से। राइट टू हेल्थ बिल हमारा जब लागू होगा तो निश्चित रूप से लोगों को एक अधिकार मिल जाएगा, गरीब से गरीब आदमी भी जाकर सरकारी में कहो चाहे हमारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में कहो, उसको ये होगा कि इसका इलाज करना ही करना है, पैसा सरकार देगी, पैसा एक लगेगा नहीं उसका। ये राजस्थान मॉडल अभी शुरुआत की है, शुरुआत में थोड़ी कमियाबी रह जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से उसको दूर करेगी। नहीं, डॉक्टर्स की मांग ये थी बिल वापस ले, तो सरकार ने कह दिया बिल हम किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, आपकी कोई बात है वो हम बिल में ना तो संशोधन करेंगे ना उसको वापस लेंगे, अगर कोई बात है तो आपकी रूल्स में डाल देंगे, वो बाद में रूल्स में तैयार हो गए तो हमको कहाँ आपत्ति है। अगर कोई हॉस्पिटल 50 बेड, वो कहते हैं 50 बेड के नीचे से सारे हॉस्पिटल को इसमें शामिल नहीं करें तो नहीं करेंगे, हमको कहाँ दिक्कत। सरकार के संसाधन खूब है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो आएगा मर्जी से। आज 1000 हॉस्पिटल हमारे चिरंजीवी योजना में काम कर रहे हैं 3 साल से, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं, उनका ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। अगर अस्पताल जुड़ेंगे, हमारे रूल्स बनेंगे उनके मुताबिक बनेंगे तो अपना आप 100 मोटो जुड़ेंगे, काम करें। हम तो ये कहते हैं प्राइवेट हो सरकारी हो, हमारे लोगों का इलाज होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। जब हमारे रूल्स बनेंगे उनके मुताबिक होंगे तो निश्चित रूप से सब प्राइवेट हॉस्पिटल पहले भी जुड़े हुए हैं आगे भी जुड़ेंगे। पचास से नीचे वाले ये कहते हैं कि हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे, हम कब कहते हैं आप जुड़िए, आपको सूट करे तो जुड़ना जब रूल्स बने तब, नहीं तो हम कोई वो थोड़ी, हमारे संसाधन सरकार करेगी। हाँ मिल जाएगी छूट, होगी 50 की कह रहा हूँ मैं, 50 से नीचे वाले नहीं जोड़ेंगे। 50 से नीचे वालों की डिमांड थी, इसमें एजिटेशन किया उसमें कि हमको इस चिरंजीवी इसमें शामिल नहीं करें, हम मना कर दिया नहीं करेंगे। इसी महीने अप्रूवल आ जाएगा गवर्नर साहब के, अगले महीने रूल्स बना देंगे, लागू कर देंगे। थैंक यू, हो गया मान। इलेक्शन की बात अलग है, ये एक मानवता का काम है, जो मानवता का काम किया है, हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो में था, उसको पूरा किया है। मैनिफेस्टो के 99 जो वायदे थे हमने कंप्लीट किए हैं, कोई ऐसा वायदा नहीं मैनिफेस्टो में किया हो और हमने नहीं किया, गहलोत सरकार ने सारे मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया। उसको मिलेगी टूरिस्ट, अगर एक्सीडेंट राजस्थान में होता है उसको एक्सीडेंट का इलाज भी करेंगे और उस इलाज का पैसा सरकार वहन करेगी। ये गलत खबर है, किसी ने गलत खबर चलाई आपको। अभी 2000 डॉक्टर भर्ती करे, हमारी एक भी सीएससी पीएससी नहीं है जहाँ डॉक्टर नहीं हो, सारे 100% सीएससी पीएससी में डॉक्टर हमारे 100%। अभी सब सेंटर हमने 1000 खोले, सब जगह हमें यूटी भी भर्ती कर रहे हैं, अभी 2000 डॉक्टर, एक भी सीएससी पीएससी राजस्थान में ऐसी नहीं बता सकते वहां पर डॉक्टर नहीं हो, एक भी, मैं एक ही कह रहा हूं। और साथ ही ये चुनौती भी है, ये तो मंत्री जी नहीं बोलना चाहते होंगे, पड़ोस का राज्य है गुजरात, ये चुनौती देते हैं हम, क्योंकि मैं वहां का थोड़ा स्टडी मैंने भी किया है, इस पे कितने ऐसे पीएचसी हैं जिसमें डॉक्टर नहीं है, ये खुद बता दें, नहीं तो हम एक दिन प्रेस वार्ता करके उसका भी पोल खोलते हैं। इसलिए ये लोग जो गुजरात मॉडल लेकर घूमते हैं ना, इन्हें एक दिन उनकी पोल खोलनी हमें आवश्यक है। हम लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और पड़ोस के राज्य में क्या हो रहा है वो देखिए, वहां के लोग इलाज कराने अब राजस्थान आ रहे हैं, और ये मंत्री जी के पास उदाहरण है, क्योंकि ये गहलोत साहब ने खुद एक दिन उदाहरण बता रहे थे जब गुजरात में आए थे प्रचार में, तब कैसे राजस्थान में इलाज करने अब गुजरात के लोग आ रहे हैं। ये स्थिति है राजस्थान मॉडल की, और ये फर्क है राजस्थान मॉडल और गुजरात मॉडल का।
बिल्कुल, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। अब आप लोग भी तैयार हो जाओ, हवाई जहाज से किसी भी दिन उतार दिए जाओगे। How can I be the judge, jury and the executioner? This is the principle being followed by this government, by the Narendra Modi government. They are afraid of voices of dissent, they are afraid of questions, they are afraid of anybody who can corner them with their questions, with their facts. So this is, the new rules are on online platforms where PIB will decide what is fake and what is not fake. I am sure you people and all of us put together will show the kind of resilience that we have in our democracy and ensure that this does not become a rule. This does not get applied on all of us. Thank you. उस चिट्ठी की कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी, जयशंकर जी को भेजी या नहीं भेजी, जरा वो चेक कर लीजिए। उम्मीद है भेजी होगी, नहीं होगी तो हम भेज देते हैं उनको, फिर बोले कि जरा भाई ये क्या हो रहा है, ये चिट्ठी लिखकर उसको सार्वजनिक करना, बड़ा अपमान कर रहे हैं साहब देश का ये तो। हम लोग इस बात में और इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूर रखती है, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं, उन मुद्दों पर हमें जवाब इस सरकार से चाहिए। हमारी मांग है जेपीसी की मांग, हम अदानी मुद्दे पर से ध्यान हटाने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं रहेंगे। I will go through the details of this. If he has tweeted this, I'm sure he has valid reasons to, and there is a conspiracy at work. You've seen how industries were pushed out of a particular state, pushed into a particular state just before elections. We've seen how this government is actively destroying the federal structure of this country. And any such attempt will be fought with. It's their government. They should act. Who's stopping them? Why do they not act in time and then use all these arguments, silly arguments, to make a narrative which is a fake narrative? Thank you.